वाड़ी अखाड़ा और अटल अखाड़ा के साधु संतों ने धूमधाम के साथ संगम नोज पर तीसरा शाही स्नान किया। इस दौरान सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ने 6:15 पर स्नान किया। इसके बाद पंचायती निरंजनी तपोनिधि और आनंद अखाड़े ने 7 संगम तट पर पहुंचकर स्नान किया। पंचमी का पर्व है, आज पहला अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले अखाड़ा स्नान कर लिया। हमारे साथ महान जी से बात करेंगे। महाराज जी, क्या स्नान का ये महत्व आज वसंत पंचमी का? आज वसंत पंचमी का महात्मा है। करीब करीब 20,000 साधुओं ने महानिर्वाणी अखाड़ा से स्नान किया और सभी भक्तों को जो भी यहाँ आए हुए हैं उनके अंदर उनको सभी मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ और खूब खूब बधाई देता हूँ। शांतिपूर्वक महानिर्माण अखाड़ा ने शांतिपूर्वक स्नान हो गया, अब अपने पंडाल की तरफ जा रहे हैं सब लोग। महानिर्माणी अखाड़े साथ और साथ में कौन सा अखाड़ा था जो स्नान? नहीं, महानिर्माणी अखाड़ा के साथ में अटल अखाड़ा था, दोनों साथ में मिलकर स्नान किया हुआ है। महाराज जी अपना परिचय दे। मैं दिगंबर रामपुरी गुजरात से आया हुआ हूँ, महानिर्माणी का अखाड़ा का ये हूँ। ठीक है, महाराज जी से जो उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी के पर्व में आज महानिर्वाणी अखाड़ा सर्वप्रथम स्नान किया और स्नान करने के बाद वो अपने छावनी के लिए प्रवेश है। ATV भारत से सुमित यादव, प्रयागराज।